हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे आपंकर हेयर पर गोटे बहुत इफेक्टिव तेल नहीं कि आई से तेल को आम घर या मानने बहुत कम जिनस तेल को यामर स्कार्प्रे लगे। जदि आपंकर रूपी प्रोब्लेम थी कि चुट्टी बहुत झड़ू थो कि आपंकर स्कार्पटा बहुत कुंडे होवा स्कार्प्रे जब किसी भी इनफेक्शन थी तेल ये तेल को निहाती भाव में आप्रे आप्लाय करूँ। देखिए आपंकर स्कार्प्रे सब प्रोब्लेम पूरा भल हो सहित आपंकर डैंड्रफ भल हम आपंकर हेयर फॉल बहुत मात्रा रे कमी एवं जेतेबेले आपणकर हेयर फॉल कमी जिवो तापरे देखिबे आपणकर चुटी बहुत जोर रे बढ़ी सहित मो स्काल्प रे ब्लड सर्कुलेशन मध्ये बहुत भल हम। जदि मो स्काल्प रे ब्लड सर्कुलेशन भल हम ताहले आमर चुटी बढ़िबारे मध्ये सेटा बहुत हेल्प करिवो। जदि आपण बहुत स्ट्रेस रे अछंती किंबा आपण जदि पूरा थकी जाइछंती ताहले आपण ए तेल को निहाती भाबरे अप्लाई करिके देखंतु आपणकर स्काल्प रे भल भाबरे मसाज करिके देखिबे आपणकर जेतिकी स्ट्रेस थिवो पूरा 90% सेटा पूरा गायब हो जिवो आपणकु बहुत रिलैक्स लगे। तो चलूँ तो देखा ये तेल को आम कमी या तेल को यामको प्रथम दरकार इटे नड़िया तेल आपसी ब्रांड्र नड़िया तेल यूज करेंगे से किसी भी प्रोब्लेम ना। तो आम नड़िया तेल रू गोटे चामच रू दुई चामच आप चुटी की जीक हम से हिसाब से आपे मुझे दुई चामच पखापाखि नड़िया तेल नौ देखु मुझे दुई चमच पखापाखि नड़िया तेल नहीं तो आपर चुट्टी को जीक नड़िया तेल दरकार आई क्वांटीटर ने नड़िया तेल में एवं पकईबी आलमंड ऑयल मैंने जोटा को बादाम तेल कही था आपर जब आलमंड ऑयल ना तो आपरे जब आमला ऑयल थी कि कौन प्रकार ऑयल थी तेल से नड़िया तेल में मिसई पारे कि किसी भी तेल ना खाली नड़िया तेल अच्छी आप खाली से नड़िया तेल करके लगे पारे कि मुझे मो हेयर तेल लगाए ता पूर्व मुझ दुई तीनो तेल को प्रथम मिक्स कैपे ही अप्लाई कैर से बहुत भल कम कैं आपर जब दुई तीनो तेल अवेलेबल थी तेल मिसेक आपयर लगे देखु यहाँ आपंकर बहुत भल कम कर। तो ये मुझे आलमंड ऑयल को मुझे ये जो नड़िया तेल काढ़ी रखी से पकईबी मुझे गोटे चमच पखापाखि आलमंड तेल पकाऊँ नड़िया तेल में। तो देखूँ मुझे गोटे चमच पखापाखि आलमंड ऑयल ये नड़िया तेल में मिसई नहीं तेल में आम एवं गोटे बहुत इंपोर्टां जिनस पकईवा जोटा आम हेयर पर बहुत भल सहित आम स्ट्रेस को दूर करने को बहुत हेल्प कर जिनसटी हूँ कर्पूर आपड़ पूरा ठीक शुणी आम ठाकुर पाखे आड़ती कला बेले जो कर्पूर यूज करपूर आपण जदि गुंड कर्पूर थी तेल आपई कर्पूर को तेल में मिसई पारे। जदि आप गुंड कर्पूर नदी आप गोटा कर्पूर थी मानते जमी आड़ती करेंगे आसूसी आपटा को गुंड करके तेल में मिसई पारे। तो आमको दरकार गोटे छोट चमच कर्पूर गुंड देखूँ मुझे ये कर्पूर गुंड नहीं तो यही कर्पूर गुंड को मुझे ये तेल में मिसईदेवि मिसई दे भल भाव मिक्स करवा कर्पूर स्मेल बहुत भल से आम चुट्टी बहुत इफेक्टिव कर्पूर बास्ना आप समस्ते जानते से ही बास्न आम स्ट्रेस बहुत मात्रा रे कमी जाए आमको बहुत रिलैक्स लगे। जितेबाला आम कर्पूर मिसा तेल को आम स्काल्प रे मसाज करके लगे थातेबाला आमर ब्लड सर्कुलेशन बहुत मात्रा बढ़ी जाए था जहाँफल आम हेयर फॉल बहुत कमी जाए और आमर चुट्टी बहुत मात्रा बढ़ी थाए सहित आम स्काल्प रे सब प्रोब्लेम पूरा दूर हो जाए था। कर्पूर में बहुत किसी जिनस अच्छी कर्पूर में आंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टी अच्छी आंटी फंगल प्रॉपर्टी अच्छी कर्पूर बहुत भल बहुत किसी जिनस अच्छी बहुत किसी औषधीय गुण अच्छी तो से लगे कर्पूर को आम चुट्टी में लगे आमर किसी असुविधा हेनी से बर आम फायदा ही दे था। तो देखो ये तेल को आई कर्पूर को भल भाव आम मिसईद मिसई सारापर यू आम आम स्काल्प रे अप्लाई करवा पूरा भल भाव मसाज करके लगे यहाँ मुझे सामने लगे देखा यहीटा को आम आम स्काल्प रे भल भाव मसाज करके लगे देखिए यहाँ जिते आप लगे आपणकर स्काल्प पूरा थंडा थंडा लगे जमी विक्स रिच्छी चॉकलेट खाई पा पीले जमती लगे सेमती लगे आईटा आमको बहुत रिलैक्स कर्पूर से स्मेल द्वारा आम सब स्ट्रेस पूरा दूर हो जाए आमको बहुत रिलैक्स लगी थाए। तो यहीटा को आम एम मसाज करम स्काल्प रे लगे भल भाव आम स्काल्प लगे तेल को लगेला आप देखिए आपंकर स्काल्प पूरा थंडा थंडा लगे बहुत भल लगे पूरा शांति लगे आपको लगे के देखिए आपर मत कमेंट बॉक्स में निहत भाव लिखिक जनइबी पूरा स्काल्प आम भल भाव लगेद आम ये
ଏହାକୁ ସ୍କାଲ୍ପରେ ମସାଜ କରିବା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ତେଲକୁ ଖାଲି ଲଗେଇଦେଲେ ହେବନି, ତାକୁ ସ୍କାଲ୍ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମସାଜ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ବଢ଼ିପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ହେୟାରଫଲ୍ କମିପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ କମିପାରିବ। ଯାହା ବି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କାଲ୍ପରେ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସାଜ କରିକି ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସେସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦୂର ହେବ। ତ ତେଲକୁ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ତେଲ ବଳିବ ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଚୁଟିରେ ଲଗେଇବେ, ନହେଲେ ଚୁଟିରେ ଲଗେଇବା ଏତେଟା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ତେଲକୁ ଯଦି କେବଳ ସ୍କାଲ୍ପରେ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବ। ତ ସେଥିଲାଗି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭାବିବେନି କି ମୁଁ ଚୁଟିରେ ଲଗେଇଲିନି ତ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି ଚୁଟିରେ ଲଗେଇଲେ ବେଶୀ କାମ କରିବ, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। କେବଳ ଆମକୁ ସ୍କାଲ୍ପରେ ତାକୁ ମସାଜ କରିକି ଲଗେଇବାର ଅଛି। ତ ସେ ତେଲକୁ ମୁଁ ମୋ ଚୁଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମସାଜ କରିନେଇଛି। ମସାଜ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଚୁଟିକୁ ବାନ୍ଧିକି ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯେମିତି ସେଇଟା ଆମ ସ୍କାଲ୍ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜିବ ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ସାମ୍ପୋରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିକି ଧୋଇଦେବେ। ଏଇ ତେଲକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲଗେଇବା ଦେଖେଇଲି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ହିଁ ଲଗେଇବେ। ଆଉ ଏଇ ତେଲକୁ ଆପଣ ମିନିମମ୍ 15 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଥର ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଲଗେଇବେ, ଆଉ ଯଦି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଜିନିଷ କରିବେନି, ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଥର କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମ ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେବ, ବେଶୀ ଥର ଲଗେଇବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ବାଏ।